हेलो एवरीवन, वेलकम टू थेरेपिस्ट। हेयर एक्सटेंशन के ऊपर हम लोग दोबारा से एक वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ जो आपके बहुत सवाल आ रहे थे पिछले वीडियोस के ऊपर कि एक्सटेंशंस को कैसे कॉम किया जाएगा या परमानेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सारे सवाल के जवाब हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आपके जो भी क्वेरीज हैं, कोई सवाल है, वो आप लोग हमसे कमेंट्स के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर एक और नई चीज़ हम लोगों ने इस बार ऐड करी है कि अगर आपके पास एक्सटेंशंस है और आपका क्लाइंट चाहता है कि उसके अंदर हम लोगों ने हाईलाइट भी कराने हैं, तो आप लोग एक्सटेंशंस के ऊपर कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% ओरिजिनल हेयर है, तो इसके ऊपर हम लोग अपना कलर जो है वो भी कर सकते हैं। तो हम लोग कलर भी कैसे करना है वो हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें और अपने रिव्यूज जो है वो कमेंट्स के द्वारा हमें बताना ना भूलें। गाइस, मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंशंस की जो स्टैंड्स पड़ी हुई हैं, सारी एक्सटेंशन स्टैंड्स मैंने बिल्कुल अलग अलग करके रखी हैं, ताकि बाद में वो एक दूसरे के साथ उलझ ना जाए। और मेरे पास यहाँ पे सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं। मेरे पास लूप भी है, लूप के अंदर मैंने रिंग्स पहले ही डाल रखी हैं, और मेरे पास प्लायर है। प्लायर के साथ हम लोग अपने जो लिंक है उसको प्रॉपरली टाइट करके अपने हेयर के साथ अटैच करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे एक्सटेंशन के ऊपर कलर करने वाले हैं। मैंने प्री लाइटनर लिया है, ताकि क्योंकि मुझे ब्लॉन्ड शेड चाहिए अपने बालों के अंदर, हल्का सा गोल्डन टोन में, तो मैं इसके ऊपर प्री लाइटनर लगा रहा हूँ अभी, धीरे धीरे करके सारे एक्सटेंशन के ऊपर एक साथ मैंने प्री लाइटनर नहीं लगा देना, क्योंकि एक साथ प्री लाइटनर लगा देंगे तो बीच बीच में पैच बन जाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपने एक्सटेंशन के ऊपर जब भी कलर करो तो उसको एक एक करके सारे हेयर के ऊपर आपने कलर लगाने हैं, ताकि अच्छे तरीके से कलर लग जाए और सारा कलर हमारा इक्वल आए। इसी तरीके से मैंने सारे के सारे स्टैंड्स के ऊपर एक एक करके प्री लाइटनर लगा के उसको छोड़ देना है, ताकि आपके बालों के अंदर इक्वली कलर आ जाए। मतलब सारे स्टैंड्स के ऊपर हम लोग कलर नहीं करने वाले हैं, हम लोग बीच में से कुछ स्टैंड्स जो हमें लाइट चाहिए उसके ऊपर हम लोग कलर करके बाकी वाले स्टैंड के अंदर उसको ऐड ऑन कर देंगे, ताकि वो हाईलाइट का इफेक्ट दे। सो गाइज, थोड़े टाइम के बाद मैंने ओपन करके देखा है, एक्सटेंशंस का कलर जो है वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया है। जहाँ जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा कलर रखने के बाद इसको रिंस करके आप ड्रायर कर लें। सो गाइज, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सटेंशंस। मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा है, हम लोगों ने लूप के अंदर अपने रिंग्स डाल लिए हैं, उस रिंग्स को हम लोग हेयर के अंदर डालने वाले हैं। हेयर के अंदर जो रिंग्स चले जाएंगे उसके बाद हम लोग अपनी स्ट्रैंड को रिंग के साथ मिक्स करके उसको अटैच कर देंगे, प्लायर के साथ उसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, जैसे कि मैं वीडियो के अंदर कर रहा हूँ। तो इसको ध्यान से देखिए। इसके अंदर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपकी वो स्कैल्प के बिल्कुल पास नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मूवेबल होनी चाहिए, ताकि आप लोग बाद में अगर मूव करो, अपने हेड को मूव करो या कॉम करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी हम लोग एक सवाल के बारे में बात करते हैं कि पिछले वीडियो के अंदर बहुत ये सवाल आ रहे थे कि कॉम करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। देखिए, बहुत छोटे छोटे रिंग्स हैं, तो बहुत छोटे छोटे रिंग्स के अंदर अगर हम लोग कॉम करेंगे तो वो फंसेंगे नहीं। स्पेशली इसके साथ एक ब्रश आता है, ब्रश जो है बहुत ही सॉफ्ट ब्रश होता है, उसके साथ हम लोगों ने हेयर को कॉम करना है। दूसरे नंबर पे वैसे भी हम लोग यूजली देखें तो कभी भी हम लोग स्कैल्प के बिल्कुल पास से कॉम बहुत कम करते हैं, नेप एरिया से ऊपर, तो इसका भी हमें फ़ायदा हो जाता है कि हम लोग नेप एरिया के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कॉम नहीं करते हैं, उसको हम लोग नीचे से ही कॉम करते हैं। और टैंगल्स आप कभी भी देखो हमेशा डाउन में पड़ते हैं, रूट के ऊपर कभी भी टैंगल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए कॉम करने में ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दूसरे नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो एक्सटेंशन की है रीफिलिंग टाइम टू टाइम कराते रहें। रीफिलिंग का मतलब होता है कि आपको हर 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आपको अपने स्टैंड्स को रीफिल कराना पड़ता है। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम लोग उसको ज़्यादा समय तक एक ही जगह पे अटैच करके रखेंगे तो आपके जो स्टैंड्स हैं वो आपके हेयर को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर आपको डैमेज से बचना है तो आपको टाइम टू टाइम रीफिल कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटेंशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको रीफिलिंग कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि
रीफिलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रैंड्स को निकाल के उसको अच्छे तरीके से स्मूथनिंग स्मूथ करके देन उसको नई जगह पे अटैच करते हैं ताकि एक ही जगह पे ज़्यादा प्रेशर ना रहे और आपका हेयर एक ही जगह से डैमेज ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एक्सटेंशंस को टाइम टू टाइम रीफिल कराते रहो ताकि आपकी एक्सटेंशंस भी सही रहें और आपके हेयर भी किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। दूसरा जो सवाल था कि ये रात को सोते टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होएगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रिंग्स है, बहुत लाइट वेट माइक्रो रिंग्स है, तो ऐसा सोने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहाते टाइम सोते टाइम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ऐसा भी नहीं है कि थोड़े टाइम के बाद रिंग्स लूज़ होके नीचे गिर जाएं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से टाइट किए गए हैं तो ये बहुत लूज़ होके नीचे नहीं आएंगे। तो इसके साथ भी हमें इसका फ़ायदा होता है कि रिंग्स जो है वो हेयर के साथ अटैच हुए रहते हैं।
तो गाइज अभी ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे स्टैंड्स जो है वो हेयर के साथ अटैच कर दिए हैं। अभी इसका पूरा हम लोगों ने ध्यान रखना है कि ईयर से ईयर टू ईयर पार्ट तक हम लोगों ने सारे के सारे स्टैंड्स ख़त्म कर देने, ताकि वो अगर हम लोग ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे तो वो रिंग्स जो है वो थोड़े थोड़े विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करनी है ईयर टू ईयर हम लोग इसको ख़त्म कर दें, और उसके बाद मेरा जो है प्रॉपरली जैसे ही रिंग्स लगेंगे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो है हेयर की लेंथ जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है, आपको कोई भी सवाल है, कोई चीज़ ऐसी है जो आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट के अंदर पूछना ना भूलें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।